हेलो पीपल, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो, माइक्रोसॉफ्ट के जो टैबलेट हैं या माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 1, 2, 3, 4, पता नहीं कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह के लैपटॉप हैं, इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, जो इसको बाय करने का सोच रहे हैं। ये इसके साथ ये डिटैचेबल कीबोर्ड होता है, इसको आप इस तरह इसको डिटैच कर सकते हैं, देन ये मैगनेट के साथ दोबारा अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली ऐसे, ठीक है। और ये एक फैंसी डिवाइस है, ठीक है, ये आप ऐसे करके इसको एज ए लैपटॉप यूज़ करते हैं ऐसे करके। एंड देन परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी अच्छी डिवाइस नहीं है, आफ्टर 1 आवर ये बहुत हीट अप कर जाते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माइक्रोसॉफ्ट 4, 5, 6, 7 एंड 8, आई थिंक 8 के अंदर नहीं, लेकिन इन सब के अंदर वो जब ये हीट अप होता है लैपटॉप, तो इसके अंदर ये स्क्रीन डिस्टॉर्शन होने शुरू हो जाती है, इस तरह स्क्रीन करती है, जो कि मुझे बहुत मैसी लगता है यूज़ करने में। 1 घंटे बाद ये इस तरह डिस्टॉर्शन करता है, 1 घंटे बाद ये हीट अप हो जाते हैं, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता ज़्यादा। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बुरा रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक फैंसी डिवाइस और आपको अच्छी लग रही है, स्लिम स्मार्ट डिवाइस, आप इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, आप इसको घर में शोपीस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इसको बिल्कुल यूज़ ना करिए, ख़राब डिवाइस है ये, सही नहीं, आपका टाइम बहुत वेस्ट करेगी। ये आपको ये इन्होंने ऐसे करके लैपटॉप बना के ऐसे देते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है ये कि ये एक लैपटॉप की तरह काम करेगा, लेकिन इससे अच्छा दूसरी कंपनीज वाले लैपटॉप बनाते हैं, आप वो परचेज़ करें, वो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल अच्छी डिवाइस नहीं है। तो मैंने ये डिवाइस पाकिस्तानी 1,30,000 में, ये वाली डिवाइस 16 GB है ये, और बहुत बुरी डिवाइस, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं इसको फेंक नहीं रहा क्योंकि ये घर में एक शोपीस के लिए अच्छा लगता है। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप में से किसी दोस्त को ये पसंद है इसकी लुक, तो आप एक काम करें कि किसी दोस्त से मांग लें जिसके पास ये ख़राब पड़ा होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया है कि वो उसके पास लाजमी ये ख़राब पड़ा होगा क्योंकि ये काम नहीं करते, उससे ले लें, उसको कहें कि मैंने घर में ये रखना है, मुझे शो पीस दे दो, तो ये शो पीस के लिए आप इसको घर में रखें, शो पीस के लिए रखें इसको और यूज़ ना करें, यूज़ करने के लिए नहीं है वो, दूसरे लैपटॉप है, दूसरी कंपनीज वाले, इसको परचेज़ ना करें, थैंक यू, यूज़ ना करें, यूज़ करने के लिए नहीं है।